अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको किसा किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक एंड ईजी पुलाव रेसिपी। इसके लिए हमने लेना है तेज़पात, काली मिर्च, दालचीनी, लौंगे, ज़ीरा, हिंग, जायफल जावित्री और छोटी इलायची। दर्शक लिए हमने 1 टीस्पून और अदरक लहसुन हमने ले लिया है। अदरक को हमने पीसेस में कर लिया ताकि अच्छे से ब्लेंड हो, मुश्किल ना हो। साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, सौंफ लिए 1 टीस्पून, हरी मिर्च लिए 10 to 12 अदद। इन सब को हमने पेस्ट बना लेना है। लहसुन अदरक और धनिया, सौंफ, हरी मिर्च, इन सब को पेस्ट बना लेना हमने पीस के। और ये मैं बड़े साइज़ की प्याज थी, हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने एक पतीली में तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल ऐड किया है, उसके अंदर हमने अपनी प्याज ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसको हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जैसा कर लेना है। फ्राई करते रहेंगे जब तक हमारी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमारी प्याज। और जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें से हाफ निकाल लेंगे और हाफ इसमें ही रहने देंगे। जैसा कि अब हमारी हमारी फ्राई हो जाएगी, हमने हाफ़ निकाल ली उसमें से और हाफ हमने अपनी पतीली में रहने दी। ये हमारे पास चिकन है 1/2 kg, ये हाफ जो हमारी प्याज इसमें ऑयल में बची हुई, इसके अंदर ही हमने अपने गरम मसाले ऐड करने हैं। तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा, ये सब ऐड कर लिया। और अब हम इसके अंदर अपनी 1/2 kg चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। हम अपनी चिकन को अच्छे से भूनेंगे, भून के जब इसका कलर जो है वाइट कलर जैसा आने लगेगा, चेंज होने लगेगा, तो हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने अपना पेस्ट ऐड करना है जो लहसुन अदरक का तैयार किया था। इनको अच्छे से भून लेना है, सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे अपने चिकन के साथ। फिर हमने इसके अंदर वाटर ऐड करके इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करना है, लेट लगा के। जब हमारी कुक हो जाएगी, हमारी चिकन जो है गल जाएगी, तो हमारी यखनी तैयार हो गई है। इसके अंदर हम अपने 1/2 kg चावल ऐड करेंगे। हमारे पास 1/2 kg चिकन थी और 1/2 kg हमने चावल लिए, और चावल हमने आधे घंटे पहले सोख करके रख दिए थे। ये तकरीबन हमारे जो पानी है चावलों से हमारी उंगली की जो एक पोर होती है उतना ऊपर होना चाहिए। इसके अंदर हमने विनीगर ऐड किया है और 2 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, हमने ढक्कन बगैर ढक्कन के पकाया, जब इसका पानी हमारा खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हमने प्याज जो हमारी आधी बचा कर रखी थी वो ऐड करनी है। और जो हमारे पास दर्शक था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको ना मिले तो आप इसकी जगह आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर और जायफल जावित्री था वो हमने कूट के रख लिया था, वो हमने इसमें ऐड किया और इसे हमने दम दे दिया। और ये अब हमारी डिश बनके तैयार है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।